आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इस शानदार संघर्ष की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की कड़ी में हम मैडम भीखाजी कामा के संघर्ष की गाथा प्रस्तुत कर रहे हैं। आज ही के दिन 1907 में मैडम भीखाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। भीखाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को प्रभावशाली पारसी परिवार में हुआ था। अदम्य साहस और सत्यनिष्ठा की धनी भीखाजी कामा ने अपना अधिकांश समय समाज कार्य में बिताया। राष्ट्र के प्रति अटूट प्रेम के कारण उन्होंने पारिवारिक जीवन त्याग दिया और अपना जीवन राष्ट्र हित के लिए समर्पित कर दिया। अक्टूबर 1896 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भीषण अकाल पड़ा और उसके कुछ दिन बाद ही प्लेग की महामारी फैल गई। इस दौरान भीखाजी कामा ने पीड़ित लोगों की खूब सेवा की। 1905 में मैडम कामा पेरिस चली गईं और वहां पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना में सहभागी बनी। नीदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड में अज्ञातवास के दौरान कामा ने आंदोलन के लिए वंदे मातरम नामक क्रांतिकारी साहित्य भी लिखा और प्रकाशित कराया। उन्होंने मदन लाल ढींगड़ा को फांसी दिए जाने के विरोध में मदन की तलवार पत्रिका लिखी। आज ही के दिन 1907 में कामा जर्मनी के स्टुटगार्ट में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में शामिल हुई। वहां उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में अकाल के विनाशकारी प्रभाव की जानकारी दी। ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता और समानता की अपील के दौरान मैडम कामा ने ध्वज फहराया और उसे भारत की स्वतंत्रता का ध्वज कहा गया। इस प्रकार वे भारतीय क्रांतिकारियों की माँ के रूप में प्रसिद्ध हुई। कामा का ध्वज कलकत्ता ध्वज का संशोधित रूप था। उसका डिजाइन कामा और विनायक दामोदर सावरकर ने बनाया था। वह उन सभी झंडों में शामिल था जिनके आधार पर मौजूदा राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। मैडम भीखाजी कामा उन महान विभूतियों में अग्रणी थी जिन्होंने विदेश में रहकर भारत की स्वतंत्रता की मशाल जलाई।